नमस्कार दोस्तों, नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद बड़ी खबर सामने आई है। आपको पता है कि लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने को लेकर अमेरिका ने कड़ा विरोध जताते हुए बड़ा बयान जारी किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी खासकर पार्टी के मुखिया अमित शाह को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है और इसके पक्ष में 311 वोट और विरोध में 80 वोट पड़े थे, लेकिन इस बिल के पास होने से पहले और पास होने के बाद भी विपक्षी पार्टियां इसका कड़ा विरोध कर रही। उनका मानना है क्योंकि यह देश के संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है। इसी को लेकर अब अमेरिका ने भी कड़ा विरोध जताया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नागरिकता संशोधन बिल क्या अल्पसंख्यकों और संविधान के खिलाफ है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर अब अमेरिका में भी विरोध होने लगा है। अमेरिका की एक संस्था USCIRF ने कहा है कि यह बिल गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है। उनका कहना है कि अगर यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। USCIRF ने कहा है कि विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित है। आयोग का कहना है, अगर कैब यानी नागरिकता संशोधन बिल दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। आयोग का कहना है कि अमित शाह द्वारा पेश किए गए धार्मिक मानदंड वाले इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने से USCIRF बेहद चिंतित है। आपको बता दें, कल नागरिकता संशोधन विधेयक कैब को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है। इसी को लेकर US ने कड़ा विरोध जताया है। USCIRF ने आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन बिल अप्रवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता साफ करता है, हालांकि इसमें मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं किया गया है। उनका कहना है कि ऐसे में इस तरह यह विधेयक नागरिकता के लिए धर्म के आधार पर कानूनी मानदंड निर्धारित करता है। आयोग ने बयान में कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद के समृद्ध इतिहास और भारतीय संविधान का विरोधाभासी है, जो धार्मिक भेदभाव के ऊपर उठकर कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अमेरिकी आयोग का कहना है कि NRC के बारे में USCIRF ने कहा है कि हमें डर है कि भारत सरकार भारतीय नागरिकता के लिए धार्मिक परीक्षण के हालात पैदा कर रही है, जिससे लाखों मुस्लिमों के नागरिकता पर संकट पैदा हो सकता है। अमेरिकी आयोग ने यह भी कहा है कि भारत सरकार करीब एक दशक से अधिक समय से USCIRF की सालाना रिपोर्ट को नजरअंदाज कर रही है। तो इस तरह से अमेरिकी आयोग भी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विरोध कर रही है। यहाँ तक कि नहीं, यह भी मांग कर रही है कि अगर यह नागरिकता संशोधन बिल सदन में पास हो जाता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब असम के अलग अलग भागों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शन के कारण शासन प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब असम के गुवाहाटी में बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर अब वहाँ के बाजार पूरी तरह से बंद है। इस बंद के कारण वहाँ के आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियां इस बिल में मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता नहीं दिए जाने के प्रावधान का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। अब विधेयक के पास होने के साथ ही पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति बढ़ गई है। साथ ही आसाम के गुवाहाटी में 12 घंटे के बंद का आह्वान के बाद वहाँ की सड़कों पर और दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश करने के दौरान विपक्ष की कई पार्टियों ने उसका जमकर विरोध किया था। हालांकि अब नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है। अब राज्यसभा में इस बिल की अग्नि परीक्षा होनी है।